हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 9 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 9.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। जो हम ही जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x प्लस 5 का प्रोडक्ट करना है 4x माइनस में 3। तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, इसमें भी दो हमारे एक्सप्रेशन है, इसमें भी दो हमारे हैं। तो पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो यहाँ मैंने लिखा 2x 4x माइनस में 3, फिर यहाँ 5 लिखा 4x माइनस में 3। क्लियर? अब यहाँ बीच में किसका निशान होगा, मल्टीप्लाई का निशान होगा। पहले 2 से करेंगे फिर 5 से करेंगे। तो 2 को 4 से किया, 2 4 जा 8, पावर 1 पावर 1, पावर हुई 2। 2x को करेंगे 3 के साथ, 3 2 जा 6x। 5 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20। एक्स है, एक्स आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 50 निकल के आया। क्लियर? इसके बाद देखो 8x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है, इसमें भी x है इसमें भी x है। 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14x। बड़ा कौन है, प्लस का तो निशान आएगा प्लस का, माइनस का 15। क्लियर? यहाँ पर हमारा पार्ट, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये इसमें एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कोई भी किसी के साथ प्लस या माइनस है नहीं हो रहा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा वाई माइनस का 8 इंटू में 3y माइनस का 4। सेम टू सेम वही सवाल है दोबारा से, बस इस बार क्या लग गया, साथ में माइनस भी आ गया। तो y को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3y माइनस 4 के साथ, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 के साथ। y को 3y के साथ किया, आगे कुछ नहीं वन मान लो, 3 वन जा 3, पावर 1 और 1 2 हो गया। y को करेंगे 4 के साथ, माइनस का 4y। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24, माइनस प्लस माइनस आया y का y। माइनस 8 को 4 के साथ किया, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 आया। इसके बाद 3y स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ जाते हैं 28y हो जाएगा, प्लस में 32। ये हमारे इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तीसरा पार्ट, तीसरा दे रखा है 2.5l 0.5m, प्रोडक्ट करना है 2.5l 0.5m, ये हमारा पार्ट है। ठीक है, तो देखो जरा, पहले फिर सिर्फ वही काम दोबारा करना है, 2.5l को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नेगेटिव 0.5m को मल्टीप्लाई करना है 2.5l 0.5m के साथ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2.5 को 2.5 से किया, 6.25, पावर 1 पावर 1 पावर 2, इसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, 25 5 125, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, टोटल कितने हुए, दो, एक और दो, डेसिमल यहाँ लग गया, एल है एम है। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, 25 5 125, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा दो नंबर बाद, एम है एल है, यहाँ रख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, 5 को 5 के, पॉइंट 5 को पॉइंट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यह है 0.25। देखो 5 5 25, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक और दो, डेसिमल यहाँ लग गया, एम की पावर 1 एम की पावर 1, पावर होगी 2। ये नंबर प्लस में है, ये नंबर सेम माइनस में, बिल्कुल सेम है, सेम है, एक दूसरे में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6.25 एल स्क्वायर माइनस में 0.25 एम स्क्वायर। ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है a प्लस 3b इंटू में x प्लस में 5। तो पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 के साथ, फिर 3b को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 के साथ। a को मल्टीप्लाई किया x के साथ, कितना हुआ ए एक्स, ए को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 5a, 3b को मल्टीप्लाई किया x के साथ 3bx, 3b को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 3 5 15, b का b आ गया। अब इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसमें a है x है,
इसमें ए है, इसमें बी एक्स है, इसमें बी है, कोई भी एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस नहीं हो सकते, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। ये हमारा एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2PQ को मल्टीप्लाई करेंगे 3PQ माइनस 2Q² के साथ, फिर 3Q² को मल्टीप्लाई करेंगे 3PQ माइनस 2Q² के साथ। मल्टीप्लाई किया, देखो 3 2 6, पावर एक और एक दो हो गई, पावर एक और एक दो हो गई। फिर इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना इसके साथ, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, पी पी आ गया, पावर एक पावर दो, पावर होगी 3। इसे मल्टीप्लाई करना इसके साथ, 3 3 9, पी का पी, पावर दो पावर एक, पावर होगी 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 2 6, पावर दो पावर दो, पावर कितनी होगी 4। अब इसमें देखो पी क्यू की पावर 3, पी क्यू की पावर 3, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 पी क्यू की पावर 3, बड़ा कौन है प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का, 6 क्यू की पावर 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पर, सॉरी फिफ्थ पार्ट यहाँ पर कम्प्लीट होता है। तो स्टूडेंट मैंने सिक्स पार्ट यहाँ पर नोट कर दिया है, ये हमारा सिक्स पार्ट है। पहले जो 4 बाहर दे रखा मल्टीप्लाई में, पहले इसको अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3B² 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई किया पहले इसके साथ, कितना हुआ 4E² 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, B² अपॉन में 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तो तरीका वही है, 3A² / 4 है, मल्टीप्लाई करना पहले 4A² 8B² अपॉन में 3 के साथ, फिर 3B² को मल्टीप्लाई करना है 4A² माइनस 8B² अपॉन में 3 के साथ। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, देखो 3 4 12, पावर दो पावर दो, पावर 4, नीचे 4 का 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 8 24 एंड 4 3 12, ए की पावर 2 बी की पावर 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 4 12, A² B² इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 8 24, पावर दो पावर दो, पावर 4 होगी, 3 का 3 आ गया। ठीक, 4 3 12, 12 2 24, A² B² 12 A² B² 3 8 24, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमें देखना प्लस या माइनस कौन हो रही है, इसमें भी A² B² है, इसमें भी A² B² है, दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस हो सकती है, 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10, A² B² बड़ा कौन है प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का, 8B की पावर 4। ये हमारा सिक्स पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।